तो पूरा बनाओगे? के लिए ना मैंने दाल और चावल भिगोई थी, तो जो मेजरमेंट है मेरा, दाल उड़द दाल 1 कप है और चावल भी 1 कप है। ये जो हम डेली यूज़ में यूज़ करते वही है, आप बासमती राइस भी ले सकते हो। तो इसको ना थोड़ा 1 टेबलस्पून मैंने पानी दे के पीस रही हूँ। ये ज़्यादा जो है मतलब पानी गिरा के इसको पीसना नहीं है, ये थोड़ा टाइट पीसना है इसको, ये बैटर को। तो चलिए अभी पीस लेते हैं। इंडियन ब्लॉगर आदि चैनल का सभी को स्वागत है। आई रियली होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे। आज जो रूटीन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इवनिंग टू नाइट रूटीन रहेगा मेरा। और आज ना बहुत अच्छा चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि हमारा ओडिया ऑथेंटिक पीठा रेसिपी मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। और ये पीठा बनाने के लिए ना थोड़ा टाइम पहले, मतलब 5-7 घंटा पहले थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ता है, और वो चीज़ भी मैं आप लोग के साथ शेयर किया हूँ। मतलब ये जो बैटर बनाते हैं उसको रेस्टिंग टाइम भी चाहिए। अगर टाइम है तो पूरा 7-8 घंटा आप छोड़ सकते हो। ऐसे छोड़ने से क्या होता है, जो पीठा आपका ना बहुत सॉफ्ट होगा, स्पंजी होगा, नरम भी होगा और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। इसीलिए अगर हम लोग को सुबह बनाना मतलब होता है तो हम पहले दिन का रात में ना इसको प्रिपरेशन करके पूरा रेस्टिंग टाइम दे देते हैं। अगर रात में बनाना है तो होल डे पूरा छोड़ देते हैं। इसीलिए पीठा बहुत अच्छा होता है और ये ट्रेडिशनल पीठा होता है, और ओडिया घर का जो पीठा है वो यूनिक होता है। तो ये जो पीठा हमारा एक त्यौहार में बनता है, तो आज ना ये पीठा का हर चीज़ मेरे पास था, मतलब पीठा में जो चीज़ मैंने यूज़ करूँगी ना सब था। तो मैंने सोचा आज ये पीठा बना लेती हूँ, और इसमें पूरा हेल्दी चीज़ सब हम लोग मिक्स करते हैं, जैसे कि काजू, किशमिश, नारियल, गुड़, ये सब रहता है तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलिए पीठा अभी मतलब हम लोग बनाएंगे, लेकिन मम्मी जी अभी गए हैं गुड़ लाने के लिए। गुड़ लाने के बाद जाके हम लोग ये पीठा जो है वो बनाएंगे। मम्मी जी ने अभी गुड़ ला के दिए, ये देखिए। एक बार ना वो पैकेट वाला गुड़ लाए थे, वो बहुत काला था, इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा था खाने के लिए। इसीलिए मैंने इस बार मम्मी जी को बोली थी कि ये लाल टाइप का गुड़ लाने के लिए, तो अभी लेके आए। कौन है लामा? जीरा पाउडर 10 टका। हाँ नहीं, 10 टका 20 टका जहाँ थी वो नहीं आसे, और किशमिश गोटे पैकेट नहीं आसे। ओ मस्त पियानो प्ले कर रहा है, मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, आधा पीस के आई हूँ दिखाने के लिए। जाए दोनों भाई प्ले कर रहे, तो मैं आधा पीस के गई थी, अभी पूरा पीसना है मुझे। दरदरा सा हो गया है बस, और 1 मिनट।
उसको थोड़ा मतलब तोड़ के लेना है गुड़ को, ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करके ना गुड़ को डालने से जल्दी ये जो है सॉफ्ट हो जाएगा। से गुड़ हमारा ना मेल्ट हो जाएगा, तब हम जो इलायची पाउडर है वो डालेंगे, थोड़ा सा ब्लैक पेपर का पाउडर, तो हल्के से डालना है ये बस, और छेना जितना चाहिए आप डाल सकते हो। डाल के इसको अच्छा से हम मिक्स करेंगे, जैसे ये थोड़ा ना इसका जो पानी है वो मर जाएगा तब तक। अभी थोड़ा काजू किशमिश डालूंगी और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए। हाथ में कैमरा है ना, एक हाथ में हील जाता है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मेरा रेडी हो गया है, तो स्टफिंग को ना ठंडा होने के लिए छोड़ दिया हूँ, और थोड़ा सा गुड़ को ऐसे ही तोड़ के मैंने रखी हुई हूँ क्योंकि उसका बैटर में डालना है, और फटाफट मैंने डिनर बना रही हूँ। और डिनर में है बीन्स आलू को थोड़ा जो भुजिया बनाते वही बना रही हूँ, और अंडा आलू को ग्रेवी बनाऊँगी। तो इसको बना के रख के ना फिर जाके हम लोग पीठा बनाएंगे, और पीठा में थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से मैंने सोचा डिनर का थोड़ा बहुत जो सब्जी वगैरह वो बना लेते। ऐसा प्याज कट करके रखी थी ना, उसको निकाल के ला रही हूँ, क्योंकि जब वो भाजी वगैरह बनाती हूँ ना मैं प्याज जो है उसको बीच में ही डालती हूँ। ये देखिए बड़े टुकड़े में प्याज डालने से ना अच्छा लगता है, तो इसको हाथ में थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे। और एक सिंपल सा भाजी ना अच्छा तरह से आप फ्राई कर रहे हो तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने निकाल दिया हूँ, और ये अंडा को मैं अब फ्राई करूँगी, इसलिए थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल दे रही हूँ, थोड़ा सा मिर्च पाउडर बस डालूँगी, और फॉक से ना उसको छेद कर दूँगी, नहीं तो उसका जो तेल अगर फेस पे हाथ पे लगता है ना पूरा जल जाता है, इसलिए मुझे काफ़ी डर लगता है, और अंडा फ्राई करने से जो है नहीं खा पाता है, इसीलिए मैंने उसका जो बॉयल अंडा वो निकाल दिया हूँ, अभी इसको मैंने फ्राई करूँगी। साइड में मैंने अंडा फ्राई कर रही हूँ, और दूसरे साइड में मसाला जो है उसको भी मैंने अच्छा से भून लूँगी। अभी बैटर को ना रेडी करते हैं, तो नमक, तेजपत्ता, इलायची का पाउडर, गुड़ सब मिक्स करेंगे इसमें। 1 टेबलस्पून घी, घी देने से ये पीठा का फ्लेवर बहुत अच्छा से आएगा। तो देन ये जो स्टफिंग किए थे ना, ये स्टफिंग को भी मिला देंगे। अगर नारियल है तो आपके पास ग्रेटेड वाला नारियल उसको भी डाल सकते हैं, और नारियल को काट में भी आप डाल सकते हैं। देन इसको हम अच्छा से मिक्स करेंगे। अच्छा लग रहा है ना, ये देखिए ये रहा हमारा घर। ओ उम्र में ना दोनों इधर वॉकिंग कर रहे, तो मैंने मास्क भी नहीं पहनी जाएगा डर से ना,
चलिए आई, नहीं तो देखने से वो भी आ जाएगा वॉकिंग करने के लिए। और देखिए पीछे भी, अभी ये तो न्यू ईयर तक ऐसे ही लाइटिंग होगा, तो चलिए थोड़ा हम लोग ना घूम लेते। अभी मैंने पीठा बिठा के आई हूँ, मम्मी जी को बोल के आई हूँ, वो थोड़ा चेक कर लेंगे, 40 या 45 मिनट्स में चेक करेंगे। तो मैं ना पहले मास्क पहन लेती हूँ।